दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गले की खराश के बारे में बताऊंगी। हम लोग जब भी खराश होती है तो हमें खाने पीने में और बोलने में, इवन सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती है। तो मैं आज घरेलू नुस्खा बताऊंगी जो गले के लिए बहुत उपयोगी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। और दूसरी बात, अगर आपको कफ है, आप बोलने में बहुत तकलीफ होती है, खूब इरिटेशन होता है, हम लोगों पर चिड़चिड़ भी करते हैं, हम अपने बच्चों पर भी चिड़चिड़ करते हैं, तो एक बहुत नेचुरल और बहुत घर पे तो हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं ये तरीका, तो होम रेमेडी है, उसे कुछ पैसों खर्च करने की ज़रूरत नहीं। कई बार मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों से मैंने सुना हुआ है कि मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई और बहुत सारा सिरप पिया, तभी मैं मेरे गले का खराश गया नहीं। तो एक सिंपल सी रेमेडी है, अगर आप घर पे करके देखेंगे, अगर आप को खराश हो, अगर गला मिस बोलने में तकलीफ हो, खांसी आती है बार बार और खुजली होती है, सूखी कभी कभी लोगों को भी मैंने ये सुना हुआ है कि खुजली मिस सूखी सर्दी हो जाती है, सूखी सर्दी से लोग बोल नहीं पाते, रात को सोने में बहुत तकलीफ होती है, खांसते रहते हैं, जैसे सांस आती है तो खांसते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले अगर आपके गले में सूखी सर्दी है तो रोज़ रात को हनी के साथ में अदरक का जो जूस रहता है, हम लोग अदरक जिलो जो गीला अदरक रहता है उसको किस लेंगे और उसमें जूस डालेंगे अदरक का हनी में, उसको मिक्स कर लेंगे और अपनी उंगलियों से चाटेंगे। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप एक साथ पी लेंगे तो उसका असर नहीं होगा, तो अगर आप उंगलियों से चाटेंगे तो वो धीरे धीरे आपके गले को असर करेगा। कफ ड्रॉप सुनिए आपने अदरक और हनी की, वैसा ही है, लेकिन होम रेमेडी है और 100% आपको ये इफेक्ट करेगी। कफ ड्रॉप आपको इफेक्ट नहीं करती, वो कैंडी की जैसे, पानी के जैसे पेट में चले जाती है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ होम रेमेडी, आपके घर में हनी होता है, अदरक भी होता है, तो कभी भी टाइम हम कभी भी कर सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टाइम मिले तो जल्दी से ये कर लें, उपयोगी होगा। तो क्या करना है आपको, बस लिक करना है हाथ से हनी और उसका अदरक का और हनी का सिरप लें और लिक कर लें, पूरा ही आप फिनिश कर, जितना आपने क्वांटिटी में बनाया वो फिनिश कर लें। सो धीरे धीरे, और उसके बाद पानी एक आधे घंटे तक अवॉइड करें, तो ये जल्दी असर हो जाएगा। दूसरा है, इसके ही चलते चलते जब आप ये पी ले रहे हैं ना अदरक और हनी का सिरप, उसके ही साथ आप अवॉइड करें ठंडा पानी पीना। बेटर मैं आपको बताऊंगी तो अगर आप पिएंगे गरम पानी, इट मीन्स गरम, एकदम गरम नया गरम पानी, इट मीन्स कोमट, जो गरम करने के बाद उसका 100% हम ठंडा कर देते हैं, वो अगर आप पानी पियोगे, जैसे चाय हम पीते हैं उसी टेम्परेचर का पानी अगर हम पियेंगे फूक मार मार के, गर्म पानी पीना नहीं है, चाय के टेम्परेचर वाला पानी अगर हम रोज़ पियेंगे तो हमारे गला जल्दी ठीक हो जाएगा, आपको एक रुपए की भी दवाई की लेने की ज़रूरत नहीं होगी, और ये बहुत फ़ायदेमंद है आपका गला। ये देखो आप, मैं बताऊँ, ये नेचुरल चीज़ है। अगर आप गर्म कोई भी थिक चीज़ होती है तो अगर आप उस पर गर्म पानी डालते हो तो वो मेल्ट हो जाती है, वैसा ही हमारा कफ है, कफ अगर जम जाता है तो अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो वो मेल्ट होके पेट से हमारे शौच के जरिए बाहर चला जाता, तो ये नेचुरल है। इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि डॉक्टर के यहाँ पे जाके कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आपको बहुत इरिटेशन हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन आपको खिचखिच हो रही है, वो मिस खांसी आ रही है, तो ये बहुत सिंपल है, सबको होता है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप ये घर पर उपयोगी है सब चीज़ें घर पर करके देखो, और आके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये कितना आपको असर किया। अगर आपको ये मेरी रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू गाइस, सी यू सून। मैं आपके कमेंट बॉक्स में देखना चाहूँगी। थैंक यू।